हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर का नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, भारित मूल्यानुपातों की औसत रीति। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स, भारित समूही रीति, जिसमें हमने पढ़ा था लेस्पियर, पाश्चे, फिशर, मार्शल, एजर, डॉर्बिश एंड बाउले। उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, आई थिंक आपने कर लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वही एवरेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो एवरेज काम में आने वाले हैं। पहला है बाय अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य द्वारा, दूसरा है बाय ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या मिलेगा, पी ज़ीरो, क्यू ज़ीरो, पी वन और क्यू वन। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मतलब आर। तो याद है हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में, उसमें एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता था, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, सेम आर के तरह यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ओके, वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ा था हमने, याद हो तो एक्स बार डब्ल्यू समीशन एक्स डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू, ये एक्स का वेटेड अर्थमेटिक मीन था। अब हमें किसका निकालना है, आर का, तो इसकी जगह हमें क्या करना है, बस आर करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना होगा आपको, इसका फॉर्मूला होगा पी ज़ीरो वन इक्वल्स टू समीशन आर डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। ये तो अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला हुआ। अब इसमें नोटेशंस क्या है, जहाँ वेयर W होगा आपके पास P0 into Q0, और R तो आपको पता है ही सही, P1 upon P0 into 100। इससे R निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, W निकलेगा। ओके, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे P0 है, Q0 है, P1 है, Q1 है, जो भी आपको गिवन है, तो पहले तो एक तो W की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। W की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P0 into Q0 से। फिर R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P1 upon P0 into 100 से। ये आ गया। अब नेक्स्ट हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, RW की, तो हमें RW को मल्टीप्लाई करके टोटल करना पड़ेगा। तो इससे क्या निकलेगा, समीशन RW, यहाँ से क्या निकलेगा, समीशन W, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके नॉर्मली जो क्वेश्चंस पुटअप होंगे, जो क्वेश्चंस बनते हैं इस मेथड के, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपके फाउंडेशन में, तो आपको ध्यान रखना, आपको R डायरेक्ट देगा, W डायरेक्ट देगा। ठीक है, R की जगह कई बार वो I भी दे देता है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है I W अपॉन समीशन W। W की कई जगह कई बार V भी दे देता है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है I V अपॉन समीशन V। ठीक है, तो ये अलग अलग नोटेशंस इसके हो सकते हैं, आर डब्ल्यू, आई डब्ल्यू, आई वी, समीशन वी, इस तरह से। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट, बाय ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन में फॉर्मूला क्या होगा, वही एंटी लॉग समीशन डब्ल्यू ऑफ log r अपॉन समीशन w। यहाँ पर भी w का मतलब वही है, क्या, p0 q0, और r का मतलब क्या है, p1 अपॉन p0 into 100। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न रखना है, वही हमेशा की तरह log एंटी log टेबल प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको मेन वो ध्यान रखना है। ओके, तो ये था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड। ओके, इसी का एक नाम और होता है, जिसे हम बोलते हैं फैमिली बजट मेथड। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। यही सेम टू सेम फॉर्मूला किसका होता है, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, या फिर फैमिली BU बजट मेथड। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको, पारिवारिक बजट रीति। ठीक है, तो
तो इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों में सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मतलब स्पेशल इसलिए नाम दिया हुआ है क्योंकि इसमें जो कंज्यूमर से रिलेटेड प्राइसेज है, प्रोडक्ट्स है, वो इसमें आते हैं। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, एक तो एग्रीगेटिव मेथड है, एक फैमिली बजट मेथड। ये फॉर्मूले के स्ट्रक्चर पर नेम है। फैमिली बजट मेथड का मतलब ये, एग्रीगेटिव मतलब मेथड का ये, और फैमिली बजट मेथड का भी मतलब यही होता है। बस ये ध्यान रखना, इसमें एक हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए काम की बात ये है, अगर आपसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पूछे, फैमिली बजट मेथड पूछे, या वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड पूछे, सब में यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसमें छोटा सा चेंज क्या होता है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। तो इसके नीचे ये भी हेडिंग डाल लीजिएगा, ये भी एक ही बात है हमारे लिए, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछे तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, ओके। अब देखिए करना क्या है, देखिए हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं दोनों। तो P01 इक्वल्स टू क्या है, समीशन R की वैल्यू P1 अपॉन P0 इनटू 100, और इसकी वैल्यू W की वैल्यू P0 Q0। नीचे W की वैल्यू पुट करो P0 Q0, P0 से P0 कैंसिल हुआ, तो फाइनली क्या बचा, P01 इक्वल्स टू समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इनटू 100, ये बचा आपके पास। और ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा नहीं लग रहा आपको, देखो 10 अपॉन 00, तो ये किसके इक्वल है, लेस्पियर, P01 लेस्पियर। ये कौन सा इंडेक्स नंबर है, लेस्पियर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के किस फॉर्मूले के इक्वल होता है, तो लेस्पियर के इक्वल होता है, चाहे ये लगाओ या ये लगाओ। अब देखो, अब डिफरेंस देखना दोनों में कि कब कौन सा लगाना है, क्वेश्चन ये है, ओके। देखिए अगर आपको P0 दे रखा है, Q0 दे रखा है, P1 दे रखा है, Q1 दे रखा है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पहले R निकालो, फिर W निकालो, फिर RW को इंटू करो, तो मैं इतना लंबा नहीं करना है, आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि इसमें तीन कॉलम बनेंगे, यहाँ दो कॉलम में ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको R डायरेक्ट दे दिया, W दे दिया, तो फिर हम ये तो निकालने में क्यों बैठेंगे, सीधा क्या करेंगे, कैलकुलेटर से RW GT कर देंगे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अगर P0, Q0, P1, Q1 गिवन है तो आपको ये लगाना है, अदरवाइज आपको RW गिवन है, IV गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगाना है, ओके। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके। आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप सब्जेक्टिव पेपर देंगे, जैसे BCom वगैरह, उसमें आपको मिलेंगे। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर, सूचकांकों का पर्याप्तता का परीक्षण। बेसिकली ये वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के लिए होता है, लेस्पियर, पाश्चे, फिशर, काफ़ी सारे मेथड्स हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन उनमें बेस्ट मेथड कौन सा है, उसकी कैलकुलेशन हम इस मेथड से करते हैं। मतलब एक टेस्ट, एक क्राइटेरिया है, जो इन क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करेगा वही जीतेगा। तो इसमें आपके पास चार क्राइटेरियाज है बेसिकली। फर्स्ट इज यूनिट टेस्ट, मतलब इकाई परीक्षण। इकाई परीक्षण मतलब आपको ये चेक करना है कि जो भी फॉर्मूला है वो यूनिट फ्री होना चाहिए। सेकेंड इज टाइम रिवर्सल टेस्ट, मतलब टाइम को रिवर्स करेंगे हम, समय उत्क्राम्यता, रिवर्सल मतलब उत्क्राम्यता परीक्षण, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थर्ड, दैट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, ठीक है। फोर्थ है आपके पास सर्कुलर टेस्ट, वृत्तीय या चक्रीय परीक्षण। एग्जाम में नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको अभी ही बता देता हूं कि इसमें इससे रिलेटेड पूछेगा क्या। ये जो टेस्ट है बेसिकली लेस्पियर, पाश्चे और फिशर के लिए है, ठीक है। नॉर्मली यूनिट टेस्ट को तीनों ही सेटिस्फाई करते हैं, लेस्पियर भी, पाश्चे भी और फिशर भी। टाइम रिवर्सल को लेस्पियर सेटिस्फाई नहीं करता है, पाश्चे सेटिस्फाई नहीं करता है, ओनली फिशर सेटिस्फाई करता है।
फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को लेस पेयर सेटिस्फाई नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ओनली फिशर करता है, और सर्कुलर टेस्ट को ये तीनों ही नहीं करते हैं। तो सर्कुलर टेस्ट को कौन करता है ये आपको मैं बता दूंगा, आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन वही रटनी है और वही एग्जाम में पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। अब देखिए यूनिट टेस्ट का बेसिकली मीनिंग क्या है, जो यूनिट फ्री हो, जिसमें यूनिट का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब क्या होता है, हम बेस ईयर को करंट ईयर कर दें, करंट ईयर को बेस ईयर कर दें, मतलब P01 को क्या कर दें P10, तो भी एनालिसिस क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसको लेस पेयर पाचे फिशर में से ओनली फिशर सेटिस्फाई करता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मतलब ये कहता है कि अगर हम प्राइस इंडेक्स नंबर को, प्राइस को क्वांटिटी से इंटू कर दे तो क्या मिलनी चाहिए, वैल्यू, सेम टू सेम वही फॉर्मूला बेस्ट है जिसके लिए प्राइस इंडेक्स नंबर को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलना चाहिए, वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो इसको भी ओनली फिशर ही सेटिस्फाई करता है। सर्कुलर टेस्ट थ्योरी में पूछता है, सर्कुलर टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंडेड वर्जन है, मीन्स इसका एडवांस लेवल है सर्कुलर टेस्ट, ये पूछा जाता है। इसको बेस ऑफ शिफ्टेबिलिटी कहते हैं, आधार परिवर्तन, बेस ऑफ शिफ्टेबिलिटी। और सर्कुलर टेस्ट क्या है, टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही एडवांस वर्जन है। सर्कुलर टेस्ट केवल 2 ईयर पे काम करता है, ये मोर देन 2 ईयर कितने भी ईयर हो सब पर काम करता है। ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखिए फिशर हर जगह जीत रहा है, इसलिए फिशर को हम क्या बोलते हैं, आइडियल इंडेक्स नंबर, आदर्श सूचकांक। क्या कहते हैं फिशर को, आइडियल इंडेक्स नंबर, आदर्श सूचकांक। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अधिकतर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, अधिकतर टेस्ट को फॉलो करता है, ठीक है। अब ये टेस्ट होते क्या है, कैसे होते हैं, इसको हम देखते हैं। इसको तब तक आप ये पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, यूनिट टेस्ट का मतलब यूनिट से फ्री होना चाहिए, तो तीनों सेटिस्फाई करते हैं। हम बात करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट की, समय उत्क्राम्यता परीक्षण। ये कहता क्या है पहले उसको समझें, जैसे एक साल है 2002, दूसरा साल है 2003, ठीक है। अब देखिए सपोज कर लीजिए इसका इंडेक्स नंबर है 100 और इसका इंडेक्स नंबर हो जाता है 200, तो देखिए ये बेस ईयर लिया, इसको 0 से रिप्रेजेंट किया, ये करंट ईयर इसको किससे रिप्रेजेंट किया, 1 से, तो 01 है, तो P01 कितना हुआ, डबल हो गया, ठीक है। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है कि हमने इसको बेस लेकर इसका निकाला तो डबल हो रहा है, तो अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई करता है तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होना चाहिए, मतलब रिवर्स होना चाहिए। इसको बेस लेकर अगर हम इधर निकालें तो देखो 200 को बेस लेकर 100 निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, P10 कितना होना चाहिए, हाफ, और इन दोनों को इंटू करो तो कितना आएगा, 1 आ गया। तो इसका मतलब वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब चाहे आप इधर से कैलकुलेशन करो या उधर से इधर की कैलकुलेशन करो, दोनों अगर रिवर्स हैं, रिवर्सल है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 1। यही टाइम रिवर्सल टेस्ट का स्टेटमेंट है। तो आपसे साफ साफ पूछेगा कि टाइम रिवर्सल टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये बताना है P01 × 10, मतलब बेस ईयर को करंट बना देते हैं, करंट को बेस बना देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस ऑफ शिफ्टेबिलिटी, आधार परिवर्तन। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं लेस पेयर के लिए सेटिस्फाई करके बताऊंगा और एक बार फिशर के लिए। ओके, फिर के लिए चेक करते हैं P01 लेस पेयर क्या होता है, समीशन PQ। हम चेक कर रहे हैं इसलिए 100 का यूज नहीं करेंगे, लेस पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 1000। अब देखिए हमें क्या बनाना है, P01 को 10। आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है कि आपको P01 से P10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना, 0 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 0 आ गया, तो जहां जहां 0 है उसको 1 कर दो और जहां जहां 1 है उसको क्या कर दो, 0 कर दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, समीशन PQ अपॉन समीशन PQ। तो 10 की जगह क्या हो जाएगा, 01, और 00 की जगह 11। ये समझ में आया, देखो हमें दो चीज़ें चाहिए, P01 और P10। P01 का फॉर्मूला हमें पता होता है, तो P10 कैसे बनेगा, 0 की जगह 1 कर दो और 1 की जगह 0 कर दो पूरे फॉर्मूले में। अब देखो इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो आई थिंक लिख लिया होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करने से कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1।
तो इसलिए लेस पेयर इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। आप चाहें तो पाश्य को भी चेक कर सकते हैं। अब हम चेक कर रहे हैं फिशर के लिए, तो फिशर का फॉर्मूला क्या होता है, इनटू ऐसा कुछ होता है 10110001। और इधर वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर हम बना देंगे, 1 की जगह 0 करके और 0 की जगह 1 करके। थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं इसको, कोई ज़्यादा खास आएगा नहीं, हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं आता, लेकिन बस समझने के लिए। तो 10 की जगह क्या कर दो यहाँ 01, 11 की जगह क्या कर दो 00, 00 की जगह क्या कर दो 1101 की जगह 10। दोनों रूट एक हो जाएंगे। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, P0 से P0Q0, P1Q1 से P1Q1, P1Q0 से ये कट गया, तो रूट वन दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब इसको कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर सेटिस्फाई करता है। तो लेस पेयर पाश्य दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ओनली फिशर सेटिस्फाई करता है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट, सॉरी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। थर्ड टेस्ट हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ये फैक्ट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट कि अगर हम प्राइस इंडेक्स नंबर को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलना चाहिए, वैल्यू इंडेक्स नंबर। और वैल्यू इंडेक्स नंबर का मतलब V1/V0, और V1/V0 का मतलब थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वीडियो में, सॉरी स्टार्टिंग वीडियो में फर्स्ट वीडियो, P1Q1/P0Q0 में मिल जाना चाहिए। लेस पेयर और पाश्य के लिए आपके लिए होमवर्क है, जिस जो सेटिस्फाई करता है मैं उसका बता देता हूँ। फिशर का चेक करते हैं, P01 फिशर, तो P01 फिशर क्या होगा, प्राइस इंडेक्स नंबर है तो क्या होगा PQ, ये PQ क्या है, प्राइस और क्वांटिटी है और कुछ नहीं है, तो 10111001। ओके, अब किसकी बारी आती है, इंटू Q01 ऑफ फिशर। तो Q01 मैंने बताया था Q के लिए आप किसको इंपॉर्टेंस देंगे, Q को, तो QP, ये QP क्या है, वही सेम टू सेम क्या है, दैट इज क्वांटिटी एंड प्राइस, फॉर्मूला वही 10111001। ओके, अब दोनों है अलग अलग रूट हैं तो इन सबको एक साथ ले लीजिए। ओके, अब देखिए कुछ सिमिलर हो रहा है क्या, मैंने आपको शुरू में बताया था जब ये फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 को 4 से इंटू करो या 4 को 2 से करो, मतलब P1Q1 इंटू करके जोड़ो या Q1P1 इंटू करके जोड़ो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ है, P1Q0 है क्या कहीं नीचे, P1Q0 ये रहा कैंसिल हो गया, P0Q0 ऊपर नहीं है, P0Q1 ये रहा कैंसिल हो गया, P1Q1 डबल आ गया, P0Q0 डबल आ गया, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, और रूट और स्क्वायर तो दुश्मन होते हैं ना, कट जाएंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, क्या बचेगा P1Q1, और नीचे क्या बचेगा P0Q0, और दैट इज इक्वल्स टू V1/V0, और इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, वैल्यू इंडेक्स नंबर के, तो ओनली फिशर ही इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा, आपको बस ये ध्यान रखना है स्टेटमेंट, ये कुछ नहीं पूछता आपसे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फोर्थ इज लास्ट टेस्ट सर्कुलर टेस्ट, रिवर्सल तो नहीं होगा ये, सर्कुलर टेस्ट। इसके लिए पहला क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि ये किसका एक्सटेंडेड वर्जन है, किसका है, अभी बताया था टाइम रिवर्सल टेस्ट का। टाइम रिवर्सल टेस्ट 2 सालों के लिए काम करता है, ये कितने ईयर के लिए काम करेगा आपके पास, 2 से ज़्यादा के लिए। कैसे, देखिए सपोज कर लीजिए 2002, 2003, 2004, ये 0 को रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको 1 से, इसको 2 से, इसका इंडेक्स नंबर 100, इसका 200, इसका 600, तो हमने इसको बेस लेके इसमें चेंज करा, तो कितना चेंज हो रहा है, डबल, बहुत बढ़िया, तो P01 कितना हो रहा है, डबल। फिर इसको बेस लेके इसको बनाएंगे तो क्या होगा, 1 को बेस लेकर 2 का, तो इसको क्या बोलेंगे, P12, ये कितना हो रहा है, ट्रिपल, ये डबल हो रहा है,
ये ट्रिपल हो रहा है। अगर कोई टेस्ट, कोई फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट को फॉलो करेगा तो लास्ट से वापस फर्स्ट पे आ जाओ। क्या? लास्ट को बेस लेके फर्स्ट का निकालो, मतलब टू को बेस लेके जीरो का निकालो। तो क्या लिखेंगे इसको? P20। तो देखो 600 का 100 हो गया, मतलब 1/6। सबको मल्टीप्लाई करो, क्या आना चाहिए? 1। ठीक है, तुम्ही से शुरू, तुम्ही पे खत्म, मतलब जीरो से शुरू, जीरो पे एंड, ये ध्यान रखना। ओके, ये इसका स्टेटमेंट है कि हम कैसे भी आगे बढ़े, कितना भी चले जाए, लास्ट से वापस स्टार्टिंग की कैलकुलेशन करें तो सब कैंसिल हो जाना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 1। देखो वही है ना, टाइम रिवर्सल का एक्सटेंडेड, वो केवल 2 साल पे काम करता है, ये ज़्यादा पे काम करता है। सपोज कर लीजिए आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 हैं, तो क्या बनेगा स्टेटमेंट? P01 इंटू P12 इंटू P23 इंटू P34 और लास्ट से फर्स्ट, मतलब P40 इक्वल्स टू 1। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए, सपोज कर लीजिए ये हो जाता है n टाइम्स, तो फिर कहाँ तक चलेंगे हम? P45…PN0=1। ये इसका जनरल स्टेटमेंट है। ओके, तो ये था हमारा सर्कुलर टेस्ट। लेस फिर पाश्चर फिशर तीनों ही नहीं करते हैं, जो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन वाले फॉर्मुलेज होते हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं, बाकी के कंसेप्ट लास्ट क्लास होगी। ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम में आने लायक है वो सारा फिनिश हो चुका है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट रोज बच रहा है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ओके, थैंक यू।